लागू करो लागू करो। बच्चे भूखे मरते हैं। आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कंसोलिडेटेड हेल्थ वर्कर्स और जम्मू कश्मीर आरटीए मूवमेंट की तरफ से, इसका मकसद ये है कि जो सरकार ने कानून बनाया है मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब है कि कम से कम जो है अनस्किल्ड लेबरर है उसको कम से कम 225 रुपए दिन का वेजेस मिलना चाहिए। दैट मीन्स उनको 6,700 रुपए कम से कम उनको सैलरी मिलनी चाहिए वेजेस। बट अफसोस की बात है कि ये कोई प्राइवेट इदारा वायलेट नहीं कर रहा है मिनिमम वेजेस एक्ट को, इसकी वायलेशन जो कर रही है सरकार खुद कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट कर रही है। इन लोगों को बोला जाता है टीवी में मीडिया में कोविड वॉरियर हैं ये, बट अफसोस की बात है कि इनकी जो सैलरी है वेजेस है इनको दिया जाता है महीने का 500 रुपये। दे आर बिंग पेड ओनली 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ 800 रुपीज़। जो इसमें हाइस्ट लेते हैं सैलरी वो है 3,000 रुपये ड्राइवर्स। सरकार खुद जो है मिनिमम वेजेस एक्ट बनाती है, कानून पास करती है असेंबली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, सरकार खुद ही इस मिनिमम वेजेस एक्ट को खुद ही इसकी जो दर्जा उड़ाती है। तो इनकी डिमांड यही है, इन लोगों की बेचारे गरीब लोग हैं, स्वीपर लोग हैं ये ज़्यादातर, इसमें इनकी डिमांड यही है कि 800 रुपये में कहाँ इनका चूल्हा चलेगा घर में, क्या करेंगे 800 रुपये या 500 रुपये लेके ये। और इनकी जिंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है पिछले 15 साल 20 साल 25 साल से, 28 साल से भी इसमें लोग काम कर रहे हैं, 28 साल से इनका खून चूसा गया 28 सालों में सरकार ने, और आज तक सरकार ने इनको परमिट नहीं किया। परमिट की बात छोड़िए, दे आर नॉट बीइंग पेड वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट। 6,700 रुपये डिमांड कर रहे हैं बेचारे ये लोग। तो इस प्रोग्राम के जरिए आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे किया, इस प्रोग्राम के जरिए से हम सरकार से अपील करते हैं कि इन लोगों की जो क्या बोलते जेन्युइन डिमांड्स है, खासकर मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से इसको पूरा किया जाए और इनकी जो क्या बोलते वेजेस है उसको मिनिमम वेज एक्ट के तहत उनको दिया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम रिगुलराइजेशन के लिए आए, हम इन्होंने हम एक स्कीम है दो KGBV 2008 से लगाई, इन्होंने वहाँ पे 7 टीचर लगाए और 1 अकाउंटेंट। इन 7 टीचरों को इन्होंने रिगुलराइज किया और हमें इंसाफ नहीं मिला आज तक। इनको लोगों को इन्होंने लगाया 10+2 जो टीचर्स थे, और हम लोगों को लगाया बी काम पे तब मतलब जून मेरिट पे, और इन लोगों को रियलाइज़ किया हम ऐसे ही हैं आज तक। इनको जून में जो वैकेंट पोस्टें हैं उनमें इन्होंने एडजस्ट किया, और हमारी जो पोस्ट है जून में या सी ऑफिस में वहाँ पे इन्होंने स्कूलों से टीचर उठा के लगाए वो काम करते हैं, लेकिन हमें रियलाइज नहीं कर रहे। हम तकरीबन 35 38 हैं कुछ तक, मतलब आधे काम कर रहे हैं आधे नहीं हैं कर रहे हैं। 700 टीचर थे, इनको रिगुलाइज किया इन्होंने, मतलब जो जून की वैकेंट पोस्टें थी उन पे रिगुलाइज किया, लेकिन हम 1 अकाउंटेंट हर जून में हमारी पोस्टों पे टीचर काम करते हैं स्कूलों से जाके ZDU ऑफिसों में CO ऑफिसों में भी, लेकिन हमें रिगुलाइज नहीं कर रहे हैं। हमें 12 साल हो गए। अकाउंटेंट हूँ मैं, तो मुझे कहना कि हमने 1500 एक मेगर अमाउंट पे काम किया है अभी तक, तो इन्होंने हमें फिर उसके बाद 4500 खुद ही एनहेंसमेंट की ताकि ये रेगुलराइजेशन के लिए ना जाए, जबकि 1500 एक RET पे होती थी। इन्होंने हमें भी वही बोला कि आप एज अ RET यहाँ पे अकाउंटेंट लगेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स आपकी कंफर्मेशन हो जाए। सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, कुपवारा से है, अनंतनाग से है, पुलवामा से, हम सभी अलग अलग से। मेरा नाम शबीर अहमद परा है, हम वेन पापोर में रहते हैं। हम स्टोन क्वेरी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और क्रशर ऑनर्स एसोसिएशन से वाबस्ता है। हमारा मुतालबा ये है कि हम पिछले 2 साल से हमारे काम को बैन कर दिया गया, स्पेशली फ्रॉम जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट। हमारे क्रशर बंद पड़े हैं, हमारे स्टोन क्वेरीज बंद पड़े हैं, हम पिछले 2 साल से बिल्कुल घर में बैठे हैं, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। हम LG साहब से अपील करते हैं कि पिछले साल की हम LG साहब से अपील करते हैं कि हम पिछले 100 साल से शॉर्ट टर्म परमिट पर काम कर रहे थे, वही शॉर्ट टर्म परमिट हमें बहाल कीजिए जब तक आप ये अपनी फॉर्मेलिटीज़ लीज आउट क्या करना है किस तरह करना है वो बहाल करेंगे, जब तक हम अपना काम जारी रखेंगे। हमने अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा उठा के रखा है और हमारे लाखों करोड़ों रुपए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर्जा है जो हम अदा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स भी NP हो चुके हैं। हमारे पास हमारे बच्चों को फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है, क्योंकि अब उनको भी स्कूलों से टर्मिनेट किया जाएगा। अब
हम स्पेशली गवर्नर साहब से, जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात पर गौर कीजिए। जब से हम डिसंगेज हुए और हम इस वक्त गवर्नमेंट से डिमांड ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फिर से बहाल किया जाए और ऐसी जॉब सीकर पॉलिसी दे। हमारे बच्चे फाकाकशी पर मजबूर हो गए हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूएशन दी जाए और कंटिन्यूएशन के साथ साथ जॉब सिक्योर पॉलिसी भी दी जाए। आज हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में स्पेशल लोक अदालत का इनेकाद किया है। इस लोक अदालत में हमने 8 बेंच बनाए हैं जज साहिबान के और एक नवा बेंच पांच चौक में है। ये स्पेशल लोक अदालत इसलिए मुनाकद की जा रही है क्योंकि कोविड सिचुएशन में कुछ लोग लोक अदालत जो हमने लोक अदालतें की उनमें शिरकत न कर पाए और जो हमारे केसेस आज हैं का 500 से ज़ायद हैं वो सारे केसेस इन स्पेशल बेंचेस में हमने रखे हैं। हमें उम्मीद है कि इनकी जो सेटलमेंट है वो आज हो जाएगी। इस लोक अदालत का मकसद ये है कि हम जो लिटिगेंट्स हैं इनको अफहम तफहीम की चॉइस देते हैं। उनसे ये कहते हैं कि आप अगर मियां बीवी में तनाज़ा है, एक फैमिली मेम्बरान है, आपस में भाई हैं, ज़मीन से मतलब तनाज़ा है, मैक्ट से मतलब तनाज़ा है, कंपनसेशन से मतलब है, बैंक केसेस से हैं, तो इनमें हम इनको ये मौका देते हैं कि वो अफहाम तफहीम से भी अपने जो तनाज़े हल कर सकते हैं। और लोक अदालत का फ़ायदा है इसमें इनको कोर्ट फीस नहीं देना पड़ता है और लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो फाइनल होता है, इसमें कोई अपील नहीं होती है। आज हमें वकला साहिबान ने भी कॉपरेशन की है, लिटिगेंट्स ने भी बड़े कॉपरेटिव रहे हैं